चलिए गाइज़ आई एम रियली वेरी सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था तो मैंने अभी टीम से बात करके दोबारा आपकी क्लास अभी बनवाई है आई एम ऑडिबल टू एवरी चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज थोड़ा टेक इशू हो गया था इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता इट्स नॉट माई फॉल्ट उसके मैं माफ़ी चाहूंगा हाँ बेटा माइक ऊपर ही है ठीक really है मैं न्यू कोर्स के बारे में आपको बताता हूँ चलिए ध्यान दो ठीक है चलिए हाँ वो थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था कहीं आइए बात करते हैं देखेंगे फटाफट से इसके आंसर्स का एनालिसिस कर लें बाकी मैं आपको कोर में समझा दूंगा ये इसकी आप दिक्कत मत लो ठीक है ध्यान देना जरा ओके सिक्सटीन क्वेश्चन में थे तो हम यहाँ पे देखो बात करते हैं जरा देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहां पे सवाल की बात करें अगर तो ओजोन के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ओजोन इज प्रोड्यूस बाई गैसेज केमिकल रिएक्शन बिल्कुल सही है ठीक है सॉरी एक जरूर ठीक है तो ये भी अगर आप देखेंगे तो ये पहला वाला जो है जस्ट ठीक है पहला वाला सही है दूसरा वाला भी सही है देखो ओजोन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 16 नवंबर को नाम बना के हम 16 सितंबर को मनाते हैं ना तो रॉन्ग बताना तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा मैंने आपको अगर याद हो इफ यू रिमेंबर अगर आपको याद हो थोड़ी सी बातें अगर आपको पता हो तो मैंने आपको हमेशा बात बोली कि जितने भी इम्पोर्टेंट समिट्स हैं जितने भी इम्पोर्टेंट समिट्स आप कह लो या जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो बार बार पूछे जाते हैं अब वो बात अलग है कि यार टीचर ने अगर कोई बात बोली और हम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपकी फॉल्ट है ठीक है सी ऑफ अजहब कहाँ है सभी को पता है सी ऑफ अजहब कहाँ है जल्दी बताओ वर्ल्ड जोग्रफी में सब कुछ पढ़ा रखा है ठीक है सी ऑफ अजहब के बारे में सब कुछ पढ़ा रखा है जल्दी बताओ कहाँ सी ऑफ अजहब

है। दो शहर के नाम आपको देखेंस और, रिवर रिवर और किस रिवर के कौन से है? ये मैंने आपको बताया भी था जैसे कि आपको याद होगा जैसे किनारे लंदन है ठीक है किनारे इफ आई एम राइट तो जैसे न्यूयॉर्क है अगर आपने देखा हो वर्ल्ड जोग्राफी में पढ़ा था हमने ठीक है लेकिन हाँ ये कि अब देखो पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी सिटीज है तो सारी सिटीज तो हम नहीं रट सकते है ना लेकिन अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी देखोगे तो मैंने आपको मेन मेन रिवर्स पढ़ाई थी तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा क्या होता है अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने तो आप नोट्स बना लो रिवर्स और रिवर्स के किनारे कौन कौन से शहर पड़ते हैं आप कर लोगे तो ये गूगल से भी आप इसका पीडीएफ निकाल सकते हो कि इंपॉर्टेंट रिवर्स वर्ल्ड की और उसके किनारे कौन कौन से शहर हैं तो रिवर प्लेट किनारे बिनाटेड से ठीक है अब ये डिपेंड करता है कि खुद के एफर्ट्स कितने हैं देखो टीचर यार एक लिमिट में आपको क्लास में करा सकता है जीएस एक अनक्रेडिटेबल सब्जेक्ट है मैं कोई आपके सामने अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगा मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने ये करा दिया था वो करा दिया था बट हम मैंने इतना करा दिया था कि आप पेपर क्लियर कर सकते थे अच्छे मार्क्स से वो बात अलग तो है कि आपने खुद से मेहनत नहीं करी है या आप क्लास में इरेगुलर थे तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है ठीक है अब देखो वही है ना जैसे 2017-18 में जब मैं सीडीएस एग्जाम दे रहा था अगर मैं तब की बात करूं तो उस टाइम पे आप चेक करके देखो दो हजार सत्रह अठारह के जो पेपर है यार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दबा के भरे हुए ओनली टू एंड थ्री ओनली देखा होगा दबा के हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी लेकिन पेपर बहुत ईजी आ गया इस बार मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली ठीक है कि सिंपल चार ऑप्शन वाले सवाल पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलिंग विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल बेंड द लाइट लाइटेस्ट लार्जेस्ट एंगल प्लस टू पॉइंट फाइव डी ठीक है उसके बाद यहां पे आ जाओ एल्यूमिनस प्लेस डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जन लेवेंट फाइव सेंटीटर तमजने स्क्रीन अगर आपने सॉल्व किया होगा तो उसका मेरे हिसाब से इन्वर्टर मैगनीफाइड होना चाहिए ठीक है कुछ बच्चों का इन्वर्टर स्मॉलर भी आ रहा था बट मेरे हिसाब से ही होना चाहिए ऑप्शन ठीक है चेक कर लो उसके बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पे क्या है कि ये देखो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन साइंस में अभी एक लड़के ने कमेंट किया सिद्धांस में साइंस से क्वेश्चन कौन सा है कितनी बार बताया था एंगल आई बराबर एंगल आ रहा है अगर ंड्रेड कमांडो टॉपिक्स वाला कोर्स किया होगा ना तो ये ये तो मैं वहां पढ़ा ही चुका था कि भाई एंगल बराबर एंगल 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 बराबर होता है ऑफ एंगल एंगल कितना दे रखा जीरो डिग्री दे रखा अगर एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी कितना होगा जीरो होगा ये तो प्रिंसिपल पढ़ाया मैंने फिफ्टीन हंड्रेड टॉपिक्स में खोल के चेक कर लो यार एंगल आई बराबर एंगल आर होता है अगर एंगल आई जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी कितना होता है जीरो होगा ये क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो बात है अपने दिवाली का सबसे अच्छा एग्जाम्प है जब हम कोई भी पटाखा खास कर रॉकेट का एग्जाम्पल ले लो जब आप रॉकेट छोड़ते हो तो रॉकेट फटता पहले है साउंड बाद में आती है तो उसे क्या बोलते हैं थंडर स्टॉम ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है साइंस का अगर आप लोगों ने देखा हो तो अरे इस प्रिंसिपल से भी हटा दो सॉरी मैंने रिफ्लेक्शन देख लिया वैसे भी हो जाएगा वो आप रिफ्लेक्शन के उसमें भी हो जाएगा रिफ्लेक्शन से देखो तब भी हो जाएगा वो उसमें क्या है आगे आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन वुड प्रोड्यूस ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट अ पॉइंट सोर्स एंड ओपेक स्क्रीन ठीक है विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चनमेंट ठीक है कौन कौन सी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है कौन कौन सी कन्वेंशन हम नाइन्थ या टेंथ क्लास में पढ़ते थे कभी ठीक है अगले पे आओ विच ऑफ द फॉलिंग स्टेटमेंट अबाउट फॉलिंग इज करेक्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है

बट मैं थोड़ा इसमें डाउट हूं तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा मैं बिकॉज़ थोड़ा सा थोड़ा कंफ्यूज हूं उसमें तो मैं गलत नहीं बताऊंगा चेक कर लो अभी लास्ट पेपर के पास पास एक्स वन एक, एक, एक मदर से होगा ठीक है एक एक्सप्रोसम फादर से होगा अभी तो नॉर्मल फीमेल चाइल्ड जो है उसका बर्थ होगा ये पढ़ाया मैंने रिप्रोडक्शन में आप चेक कर लो मैं कह रहा हूं ना कईयों को डी लग रहा होगा इसका बट मैं आपको बता रहा हूँ प्लांट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ के देखो आप प्लांट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ के देखना कहीं कहीं पर ये प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही है दैट्स मैंने इसका आंसर डी डी नहीं नहीं बताया मैं मैं आपको पहले बोल देता बट श्योर तो मैं इसलिए आंसर नहीं दूंगा उसका जहां मैं श्योर नहीं हूँ ठीक है हो सकता है आपको कहीं ने बता दिया हो एंटीबायोटिक सच एस पेनिसिलिन ब्लॉक्स सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया ये सिंपल क्वेश्चन था ये हो सकता था ठीक है उसके बाद अगले पे आओ द रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन बहुत ही लल्लू क्वेश्चन बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ तो लड्डू क्वेश्चन है कुछ भी नहीं इसमें उसके बाद यहां पे आ जाओ ऑफ स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यूज लिक्विड नाइट्रोजन ये तो मतलब यार ये साइंस के भी कोई बहुत ऐसे हाई फाई सवाल नहीं है मैं आपको बताऊं अगर ये साइंस के क्वेश्चन आप देखोगे तो इतने हाईफाई नहीं है सिंपल है भी कोई ऐसा नहीं कि इसमें आपको पीएचडी करनी पड़ेगी जनरली अगर आप देखोगे विच वन ऑफ द फॉलिंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड इन द रियशन ऑक्सीजन ठीक है सिल्वर अब बता दूँ मैं क्वेश्चन कहाँ से आ रख लो सुन लो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सवाल है ये जहाँ तक मुझे लगता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन है ये और ये टॉपिक मैंने क्लास में पढ़ाया था मुझे याद है ठीक है उसके बाद बेलेंसी क्या फोर्स फ्लोस की थ्री कॉमा फाइव आ गया चलो मैं सर बता रहा हूँ इतना आसान पेपर मैं तो देखा नहीं भाई सी का वो बात अलग है आपको लगा होगा साइंस को छोड़ भी दो कई सारे ऐसे बच्चे जो आर्ट्स और कॉमर्स के आप साइंस को छोड़ दो कितने क्वेश्चन है साइंस के ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के थर्टी क्वेश्चन है आप फिजिक्स को भी हटाओ केमिस्ट्री को भी हटाओ बायो तो हर बच्चा पढ़ लेता है मैं भी पीसीएम बैकग्राउंड मेरे पास भी इलेवन ट्वेल्थ में बायो नहीं थी लेकिन बायो रट्टू सब्जेक्ट है बायो आप कर सकते हो दस क्वेश्चन बायो के थे दस फिजिक्स के दस केमिस्ट्री के आप फिजिक्स केमिस्ट्री को हटा दो इकोनॉमिक्स को भी हटा दो सत्ताईस क्वेश्चन हटा दो लोग ठीक है तब भी आपके हाथ में यार लगभग मैं कह सकता हूँ आपके हाथ में थे करने थे, 40 फिफ्टी करते फिफ्टी भी अगर करेंगे बात बन जाएगी उसके बाद यहां पर अगला जो सवाल है आपका लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स ठीक है उसके बाद आ जाओ ये अब बता दो कि यार ये चीज यूट्यूब में नहीं पढ़ाई थी यूट्यूब के अगर सेशंस देखे हो सच बता रहा हूं चिल्ला चिल्ला के टॉपिक मैंने पढ़ाया था इस इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था और मैंने ये तक भी बताया था कि मैं खुद इस शिप पे रह चुका हूं याद कर लो मैंने कहा था कि आई विशाल भी आ रहा है 2030 में और आई विक्रांत अगले साल आ जाएगा ठीक है अभी हमारी नेवी में दो एयरक्राफ्ट कैरियर थे एक विराट था विक्रमादित्य विक्रमादित्य अभी है ये डी कमीशन हो गया बहुत अच्छे से बताया था मैंने मैंने खुद कहा था कि मैं खुद इस शिप पे काम भी कर चुका हूँ अगर आपको याद होगा तो अगर आपने रेगुलर क्लासेस देखी होगी अब एक बार बताओ तुम क्लास में रेगुलर हो नहीं और तुम उसके बाद टीचर को सीधा ये ब्लेम करोगे कि यार कितने क्वेश्चन आए तो यार ये जस्टिएबल नहीं है ये लीगल बात नहीं है ये ठीक है हमें खुद बुरा लगता है कि यार हमारा क्या फायदा हुआ जागने का यहां पे आ जाओ ठीक है अब यहां पे आ जाओ आप देखो सिमुना हेल्प किसको ये विमलन टेनिस ईमानदारी से बताओ जब सुबह हमारी क्लास चल रही थी क्या मैंने आपको नहीं कहा था सारे ओपन पढ़ लेना ऑस्ट्रेलियन ओपन, 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 फ्रेंच मैंने चार चार बार ये बात चिल्ला के बोली है मैं नहीं कह रहा कि मैंने टेनिस ओपन पढ़ा होगा बच्चों ऐसी आप से पढ़ सकते हो ये वो चीजें हैं जो आप खुद से पढ़ सकते हो मैंने आपसे बात बोली थी आप मानो ना मानो और मैंने आपसे ये भी बोला था कि कोरोना वायरस की वजह से दो के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं एनडीए में भी ऐसा देखा गया अब तब भी आप जो है नहीं ध्यान दें तो क्या करें सीमुना हेले हराया किसको था सरिना विलियम्स को हराया था उन्होंने अब ध्यान नहीं दोगे तो कैसे होगा यार क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा यार अगर हमारे बच्चे का रिजल्ट नहीं आएगा ठीक है चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जैक्टली यहां पे आ जाओ ये देखो शहीद आइलैंड है ना ये सारे ये सारे नाम बताए थे अंडा ये youtube की बात है इफ आई एम राइट youtube की क्लास होगी अंडमान आइलैंड में दुनिया भर के आइलैंड्स हैं उनके नाम बदले गए हैं ये सारे मैंने लाइन से कराया था आपको ये ऑप्शन होगा 38 का ठीक है इसके बाद चलो आप आगे चलो ठीक है हाँ जी अगले पे आइए इन अगस्त 1948 who among the following was administered the oath at the premise of Sri Lanka four time राजा पसका बहुत कॉमन क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलिंग इंडियन ओशन रिसेंटली द स्टेट ऑफ इमरजेंसी टॉपिक मैंने क्लास में पढ़ा रखा है इमरजेंसी लगी थी यहां मुझे याद है मैंने पढ़ा रखा है एमसीक्यू में पढ़ा होगा बट मैंने पढ़ाया था ये आपको नेक्स्ट पे आओ मिलाओ फटाफट फ़ड़। ये देखो येलो ये टटल अगर एमसीक्यू सीरीज देखी होगी जब करंट अफेयर्स के एमसीक्यू चल रहे थे एमसीक्यू में हो चुका है क्वेश्चन ठीक है उड़ीसा बालासोर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की वहां पे मिला ये असीम के फुल फॉर्म ये फुल फॉर्म मैंने नहीं कराई थी मैं साफ बोल रहा हूं ये फुल फॉर्म मैंने नहीं कराई थी ब्लैंडली बोल रहा हूं मैंने नहीं कराई थी ठीक है इतने सारे अफेयर है ये वाली मैंने नहीं कराई थी मैंने आपको सहयोग वगैरह कराई थी ये नहीं कराई थी इसका आंसर है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग ठीक है बी ऑप्शन हो जाएगा इसका उसके बाद आगे चलो ठीक है

इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह कहा था रीड कर लेना वाटरफॉल्स पढ़ लेना लेकिन नहीं जब नहीं ध्यान दोगे तो क्या करें रोवर <coughs> प्रग्रोवर द रोवर इंस्टॉल्ड इन चंद्रग्न टू मिशन हैड हाउ मेनी व्हील्स व्हील्स इफ द लीनियर मोमेंटम मैं सच बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन क्लास में करा रखे फिजिक्स की इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट डबल क्या होता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मुला काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन टू एम ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में अब आप यहां पे देख लो जरा यहां पे पी का मतलब है लीनियर मोमेंटम एम का मतलब है मास के एनर्जी इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट गेट डबल अगर हम लीनियर मोमेंटम को डबल कर देंगे ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इंक्रीज बाय ठीक है फोर टाइम्स हो जाएगी इफ आई एम राइट है ना बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक है अगर आप इसको डबल कर दोगे तो इसका स्क्वायर और प्रोपोर्शनल तो है ना आगे पे चलो. उसके बाद क्या है अगला? Times, अगर दो ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट हो गया x, एक ऑब्जेक्ट हो गया y, दोनों के बीच में अगर जो डिस्टेंस है उसे क्या कर दें टू टाइम्स भाई आप सभी को पता है फॉर्मुला सभी ने सुना होगा जी बराबर k एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर ठीक है हमारा ठीक है अब यहां पर अगर हमने क्या किया दो ऑब्जेक्ट हैं एक ऑब्जेक्ट है मान लो एक ऑब्जेक्ट का मास है एम वन एक दोनों के बीच में अगर हम लोगों ने क्या किया जो डिस्टेंस है मतलब इनके बीच में डिस्टेंस है आर इसको अगर दो गुना बढ़ा दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी डिक्रीज होगी टू टाइम्स उल्टा हो जाएगा क्योंकि फॉर्मुला में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी का मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है

सारे क्वेश्चन हमने मैंने इतनी बार सी से एग्जाम निकाला आपको क्या लगता है मैं सारे क्वेश्चन करके आता हूँ नहीं भैया सिक्सटी सेवेंटी करो जो नहीं आते बस बैठ जाओ 120 उन्हें ऑफिसर का मतलब ये नहीं होता कि जो 120 करके आएगा या सेंचुरी मारेगा उसी को लेंगे वो ठीक है नेक्स्ट पे आगे चलो पल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम ऑयस्टर ये सब क्वेश्चन मेरे ख्याल से बेसिक है लेकिन अगर आपके बे... आप इन क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो सवाल है आपका विंग्स विंग्स ऑफ एंड बैट्स बैट्स भाई जो जो के के और के जो wings होते हैं उनका स्ट्रक्चर एनोलॉगिस कैसे होता है बिकॉज डिफरेंट ओरिजिन कॉमन फंक्शन ओरिजिन डिफरेंट लेकिन फंक्शन दोनों का कॉमन होता है उसके बाद अगले पे आइए अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड से ही नहीं सिंबल ऑफ ये डेल्टन चिल्ला चिल्ला के मर गया था एटोमिक छोरी किसने दी थी इसी दी थी और सिंबल ऑफ एलिमेंट भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया था डेल्टन के बारे में पढ़ोगे भी तो भी दिख जाएगी ये चीज

ठीक है नेक्स्ट पाओ अब ये देखो कि सरकार एज पर द बजट उन्नीस बीस द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रिसिप्ट फॉर द यूनियन गवर्नमेंट अब भाई सरकार के पास सुविधा टैक्स कौन सा आता है सबसे ज्यादा आता है कॉर्पोरेशन कॉरपोरेशन के बाद सरकारी कमाई आपकी जीएसटी होगी और जीएसटी के बाद कौन सी होगी फिर कौन सी होगी टैक्सेशन और कॉरपोरेशन टैक्स और फिर लास्ट में यूनिक्स ड्यूटीज तो उस हिसाब से ऑप्शन क्या बन जाएगा बी एज पर द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंडियाज रैंक हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम वन फोर्टी टू इन टू थाउजेंड फोर्टीन अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की बात करें तो भारत की जो रैंक है वो एक सौ बयालीस हुई है दो हजार चौदह दो हज़ार चौदह में एक सौ बयालीस थी फिर तिरसठ होगी उन्नीस में किस किस पैरामीटर्स को यहाँ पे जो है देखा गया तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो गेटिंग एक्सिटी इसके लिए आपको पूरा बजट पढ़ना पड़ेगा उन्नीस का ठीक है थोड़ा सॉरी इसके लिए तो आपको ये पूरी रिपोर्ट पता होनी चाहिए इसके लिए आपको उन्नीस का बजट होना चाहिए बिना रिपोर्ट पढ़े आप इस क्वेश्चन को सॉल्व वही बच्चा कर पाएगा एक्ट है 2013 का एक्ट है ये अब आप खुद देखो 2013 का एक्ट पूछा गया है सी डी में यह क्वेश्चन आप कह सकते हो टिपिकल है ठीक है इस क्वेश्चन को आप कह सकते हो कि ये टिपिकल है क्योंकि 2013 का एक्ट है उसे कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा 2020 में इतना पुराना क्वेश्चन है ये अब ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए होता है और क्या पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा सही नहीं है द एक्ट वॉज रोल्ड आउट इन ईयर टू ये एक्ट रोल्ड आउट हुआ था दो में ठीक है तो ये ही रॉन्ग हो गया और हमसे रॉन्ग ही पूछा था बी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 20 इज नॉट करेक्ट भारतीय जो अर्थव्यवस्था है दो हजार उन्नीस बीस की जो भारतीय अर्थव्यवस्था रही है भारत की जो इकोनॉमी रही है में उसके ऊपर चार कौन कौन से सही कौन सा सही नहीं है आपने एक चीज देखी नॉट करेक्ट जो है काफी है। काफी क्वेश्चन जो है नॉट करेक्ट है चलिए ध्यान दीजिए अब यहां पर क्या चीज है मैं आपको बताता हूं यहां पर अगर आप देखेंगे देर हैज बीन deceleration इन ग्रोथ रेट ये सही है देर हैज बीन स्लगिश ग्रोथ इन relative टू बजट एस्टिमेट ये मुझे पहले डाउट और था ये हो सकता था बट इसके बाद अगर आप सी स्टेटमेंट पढ़ोगे कहीं नहीं मिलेगा आपको तो हिसाब से आंसर ये होना चाहिए फिजिकल डेफिस बजट एस्टिमेट अगले पे आ जाओ नेक्स्ट अब यहां देखो एज पर estimates, as एज पर budget एस्टिमेट ठीक है हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे यार मुश्किल मैं साफ बोलता हूँ हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे टिपिकल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे टिपिकल मैं मना नहीं करूंगा लेकिन ऐसे भी नहीं जैसे आप कह रहे हो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ऐसा भी आप नहीं कह सकते ठीक है ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन टिपिकल थे आप ये नहीं कह सकते हो ठीक है हाँ इस चीज को नहीं बोल सकते हो आप ये नहीं कह सकते आप चलिए करिए आगे बढ़िए उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो एज़ पर द बजट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर उन्नीस का बजट है यहाँ पे इस बजट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा फूड सब्सिडी ठीक है विच ऑफ द फॉलिंग एंड प्लेज मिनिमम रेनफॉल इन द ईयर लेह लद्दाख ठीक है कई बच्चे राजस्थान सोच के जैप जोधपुर पे मार आ गए गलत है कई बच्चों ने नई दिल्ली पे मार दिया गलत है लेह बहुत ठंडी प्लेस है ले टिम्बर वेजिटेशन तुंद्रा रीजन में पाया जाता है, तो है। मॉडिबल लग रहा नजर लग गई आज पता है क्लास को सच बताऊंगा नजर लग गई क्लास को पर्सनली आई फील कि आज क्लास को नजर लग गई पता नहीं आज सब सब ड्रामे आज ही होंगे सारे ड्रामे आज ही होंगे आई डोंट नो क्या हो रहा है आज सब आज ही होगा चलो ध्यान दो आप मैं फटाफट आपको ये आंसर बता दूं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आइजोथर्मल लाइन को देखोगे ठीक है अगर आप इस एडोथर्मल लाइन को देखोगे द आइजोथर्मल लाइन विच डिड्स इंडिया नॉर्थ टू नॉर्थ साउथ इन ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट द मॉल इज पंद्रह डिग्री सेल्सियस उसके बाद विच दॉलिंग इंडिकेट द टॉपिक इन सवाना क्लाइमेट ए डब्ल्यू मैच कर लीजिए थोड़ा सा आई नो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे क्या बताऊँ आज क्लास को क्या हो गया आई डोंट नो यार आज पता है दिन खराब है पता है मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से आई एम फीलिंग कि आज दिन ही खराब है अपना सच बताऊँ आज ऐसी फीलिंग आ रही है आज दिन खराब है सच बता रहा हूँ आज ऐसा हो गया ना क्या बताऊँ सुबह से दो बार क्लास की हो गई और आज ही होना था इंडिया में सबसे एलुवेल्स ऑयल पाया जाता है क्या बोलते हैं उसे इंसेप्टिस इक्वेटर के सबसे पास कौन सी सिटी है सिंगापुर मैच कर लो ठीक है अगले पे आइए उसके बाद ये तीनों ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर द जॉइंट सिलेक्ट कमिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1990 फीमेल फ्रेंचाइजी तो इस कमिटी में अगर आप देखोगे एविडेंस फीमेल फ्रेंचाइजी के लिए इन तीनों का ही था वन टू थ्री आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक है अहमदिया मोमेंट गुरदासपुर इजी क्वेश्चन था ये ठीक है नेक्स्ट चलो उसके बाद यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने एक अलायंस बनाया था डिस्ट्रॉय करने के लिए हॉलवेल मोनूमेंट को कलकत्ता में हिंदू महासभा ठीक है इसके साथ बनाया था उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलिंग क्रेडिट द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाइनटीन एन एम जोशी ठीक है ये क्वेश्चन थोड़े मैं मान सकता हूँ हो सकता है आपसे ना हुए हों एग्री कर सकता हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ पर इनमें से कौन सी पहली ट्रेड यूनियन थी भारत की विद द प्रोसेसम मद्रास लेबर यूनियन ठीक है उसके बाद यहाँ पे सेवा समिति बॉय किसने हृदयनाथ कुंजरू ने ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ आपसे नहीं होंगे ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चन थे एग्री करता हूँ मैं नेक्स्ट अब यहां देखो विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा दस सेक्रेटरी जनरल द सेक्रेटरी जनरल पास ऑर्डर्स ऑर्डर इन द नेम ऑफ स्पीकर स्पीकर से बड़ा थोड़ी होता है स्पीकर से छोटा होता है ठीक है उसके नाम पर तो ऑर्डर कैसे पास कर देगा सीक्रेट सिटिंग एम एस एन ए होना चाहिए इसका आंसर बाकी आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन ये डाउट वाला है ठीक है ये भी डाउट वाला सवाल है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलिंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन सऊदी अरेबिया छोटी सी तो है कहाँ से होगी बड़ी इसमें बोला मेजर कौन सी नहीं है तो सऊदी अरेबिया बहुत छोटी है मरीना ट्रेंच पढ़ाया था क्लास में इंडियन ओशन तक की ट्रेंच भी बताई थी तुम्हें वो बात अलग है तुमने ध्यान दिया हो ना दिया हो अगले पे आओ द फोर टू द सन आर कॉल्ड वो प्लान जो सन के बहुत क्लोज है बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को तो यार बता दो ये भी अगर बताना पड़ रहा है तो वही तो मैं कह रहा हूं टेरिस्टल प्लैनेट्स ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलिंग कंडीटे वेजिटेशन तुंदरा वेजिटेशन कहां पे नहीं है यूएसए नेक्स्ट लैंडफॉर्म विच ऑफ द इज नॉट ऑफ लिवर ये

फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोरा इफ आई एम राइट हाँ भगवती चरण वोरा ही तो होगा पांच मिनट हो गया पांच मिनट से देखो गलत कि कुछ भी हो गया हो अब आगे की तैयारी करो और इस चीज़ से एक लेसन ले लो कि कहाँ कमियां थी कहाँ सुधार करना है और मैं हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा प्लीज़ क्लास में रेगुलर रहिए अब अगर मैं इन क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो समय लग जाएगा बाकी स्पेशल क्लासेस में ये सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आज से मेरे कोर्स मुझसे पूछना मेरे नए कोर्स दो तीन दिन में स्टार्ट हो जाएंगे सभी लर्नर सुन लो सारी चीज़ें मुझे आपको दोबारा से पढ़ानी है अच्छे से पढ़ानी है और मेहनत आपके साथ करी जाएगी मेरे कोर्सेज को भी ईमानदारी से रेगुलर फॉलो कर लेना और खुद से भी थोड़ी एफर्ट्स मार लेना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो देखो कोई भी टीचर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कोई भी टीचर घोट के नहीं पिलाएगा यार आप इस बात को समझिए हम भी जब तैयारी कर रहे थे जब मैं भी आपकी एज में था तो ये थोड़ी यार मैं तो खैर कोचिंग भी नहीं ली है आप तो चलो फिर भी पढ़ रहे हो हम तो खुद से ही जो है लगे रहते थे यार ठीक है दिक्कतें बहुत होती हैं लेकिन आपको गाइड करने के लिए हम हैं साथ साथ थोड़े एफर्ट खुद मार लोगे तो एग्जाम गारंटी निकल जाएगा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मैं आपको बताऊं जो भी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि पेपर अच्छा नहीं गया प्लीज मत घबराइए आराम से कर लोगे आप लोग बस अपना जो गलतियों ने रियलाइज करके अगले बारे अगले के लिए सोचिए ठीक है।, है इतना इतना नहीं टेंशन लेनी है यार इतना नहीं सोचना है अब अगर आप लोग इतना घबराएंगे तो कैसे बात बनेगी बताओ मुझे मैं वही कह रहा हूं ना इतना नहीं घबराना है अब आगे के लिए ध्यान दो कि आगे कैसे करना क्लास की छुट्टियां नहीं मारनी है ठीक है बाकी यार डोंट वरी मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स दोबारा मारूंगा आप टेंशन मत लो मेरी साइड से आप बिल्कुल भी दिक्कत ना लीजिए मेरे कोर्स कब आएंगे मैं सब बता दूंगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अन अकेडमी एट द रेट विशाल सर्चर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता दूंगा डोंट वरी ठीक है मैं आज शाम तक आपको अपने कोर्स अपडेट कर दूंगा टेंशन मत लो आज शाम तक मैं कोर्स अपडेट कर दूंगा सारे ठीक है आज शाम तक मैं आपको अपने सारे कोर्स बता दूंगा बाकी पेपर टू का कोर्स चल रहा है वो आज स्टार्ट हुआ से ज्वाइन कर लो सीएपीएफ के लिए सुबह आठ बजे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर्स के जो भी मेरे कोर्स आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आज शाम तक ये मेरा प्रॉमिस है ठीक है प्लीज बच्चों में हाथ जोड़ रहा यार लो लो हाथ जोड़ रहा है यार प्लीज रेगुलर होके पढ़ लो ये उम्र बार बार नहीं आएगी पढ़ लो यार पढ़ लो मेरा कोई यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मेरा कल से मूड खराब है बिकॉज आई नो यार कैसा लगता है जब पेपर अच्छा नहीं जाता वो मैं समझ सकता आइए अगर आप लोगों ने हिस्ट्री क्लास देखी होगी ना लास्ट हिस्ट्री क्लास थी चिल्ला चिल्ला के बताया था कि फंडामेंटल राइट्स की बात कराची सेशन में हुई थी कराची सेशन कराची कराची सेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे याद करो 1931 में ये सेशन हुआ था ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ कितनी बार यार ये चीजें बताए सबसे कहा था लीडर सेंटर का चार्ट बना लेना वरना मेरा फ्री कोर्स देख लेना अयोध्या में हुई थी लड़ाई दिल्ली में भी थी कानपुर में भी थी आगरा सेंटर नहीं था लॉर्ड कैनिंग के समय पे ये ये लड़ाई हुई थी सिपॉय म्यूटिनी बोलते हैं इसे ये देखो ये कुछ नहीं होता कि ये इजी था ये मुश्किल था ये जो आज हम लड़के लोग लड़कियां लोग बोलते ना इजी था मुश्किल था मुझे आता होगा तो इजी है मुझे नहीं आता होगा तो मुश्किल है वो डिपेंड करता हमारे ऊपर हमें आता होगा तो इजी है नहीं आता होगा तो मुश्किल है मानते हो अब मुझे नहीं आता तो मैं क्या बोलूंगा मैं तो बोलूंगा मेरे लिए मुश्किल है आजमगढ़ के बारे में देखे जरा क्या है ये सवाल इसको भी देखो यार आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन रेफर डिक्लेशन यहां पे देखिए जरा यहां पे आपसे बोला गया है कि भाई कौन सा अब नॉट करेक्ट है पहला वाला सही है ये आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन सत्तावन की क्रांति से डिटेल करता है पता है ये टॉपिक मैंने कब कराया था मैं आपको बताता हूं आसिस लगभग लगभग चार महीने पहले मैं स्पेशल क्लास में क्वेश्चन करा रहा था बच्चों को हिस्ट्री के एमसीक्यूज और वहां पे मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था जो पुराने बच्चों के वो याद करना कि कुछ इस जैसे शब्द की चीज का भी क्वेश्चन सोल्व करवाई थी क्या ये आजमगढ़ प्रोग्रेशन रिश्ता रखता है सत्तावन क्रांति से अगला स्टेटमेंट कहां पहुंच गया 1942 पे ये प्रोग्रेशन प्रोकोनेशन सत्तावन की क्रांति से रिश्ता रखता है अगर किसी बच्चे ने इतनी बात भी सुन ली होगी ना कि यह प्रोग्रेशन सत्तावन की क्रांति से रिलेटेड है तो दूसरा वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा उन्नीस में कहा पहुंचा दिया और क्या पूछना है कि कौन सा गलत है टू ओनली दूसरा वाला गलत है चीज़ ये, चीज, ये घोषणा ये आजमगढ़ की घोषणा की क्रांति से रिश्ता रखती है और अगला स्टेटमेंट में पहुंचा दिया कॉमन सेंस लगाओ गलत तो यही होगा ना और गलत पूछा है टू ओनली बताओ यार अब तुम लोग ये बोलते तो सीधा पढ़ाया व नहीं आया चिल्ला चिल्ला के स्पेशल क्लास में हर जगह बताया मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था इसने रिहिला किताब लिखी थी याद करो मैंने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को मैड किंग भी बोलते हैं पागल राजा बोलते हैं बस बोल देना कि नहीं कराया था जो चीज कराई है उसके लिए भी बोल दो तो नहीं कराई है नेक्स्ट अगले पे आओ एल बरूनी ने किताब अरेबिक में लिखी है of the members of Parliament is correct. जो हमारे हैं, उनके लिए प्रजेस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं वुड नॉट बी फैटर्ड बाय द आर्टिकल नाइनटी वन नाइनटीन वन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छा ठीक है करेक्ट बताना ना मैं इसमें ओके okay. ज मस्ट बी रीड सब्जेक्ट टू दर्टिकल बत्तीस इम्यूनिटीबल इन रिलेशन टू तो बोज सिंह इन रिलेशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इन हर, हर प्राइवेट पर्सन कैपेसिटी तो मेरे हिसाब से चौथा तो गलत है चौथा अगर गलत है तो यह हटा दो दूसरा सही है दूसरा सही है पहला भी सही है अगर पहला भी सही है तो फिर यह हटा दो ये होना चाहिए नेक्स्ट पार्लियामेंट्री कमिटीज जब पॉलिटी और ज्योग्राफी के रिमेनिंग टॉपिक्स चल रहे थे ना तो पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ाई गई थी जरा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा जब पॉलिटी के पॉलिटिकलिंग टॉपिक पढ़ाए जा रहे थे और देख के हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस तरह की चीजें कुछ पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी कि जो मेंबर्स होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं कमिटीज के वो अपॉइंट भी होते हैं इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के स्पीकर और चेयरमैन अपनी अपनी कमिटीज में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफाइड कैटेगरी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बच्चे इस पर आर यू पी कर रहे हैं अरे ये नहीं होगा कभी भी स्टेट रीऑर्गेनाइज पार्टीज नहीं होती सिर्फ स्टेट की पार्टीज होती है रीऑर्गेनाइज शब्द सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला है बीच में बी आंसर ठीक है अगले पे आओ ये देखो ये ये बताओ यार ये ये भी छोड़ के आ रहे हो क्या यार्ड अमेंडमेंट इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ये भी छोड़ने वाली चीज है इंदिरा गांधी के समय पे ये तीन शब्द हुए थे परी का कोई मतलब ही नहीं है वन टू थ्री फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में शुरू के तीन वर्ड एड हुए थे प्रेम्बल में कौनशिल एडवाइजर कौन है पॉलिटी की दूसरी तीसरी क्लास देख लो जहां पे मेकिंग पढ़ाया था एन राउ अब सुन लो ये पेपर कैसा भी गया मैं ये गम लेके तो बैठने के मूड में नहीं हूं बट प्लीज, प्लीज 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 महिलाओं और पुरुषों फरवरी वाले के लिए सीरियस होके पढ़ लो और यहां से बस कुछ लेसन ले लो इतना मुश्किल नहीं है पेपर निकालना डरिए मत इतनी बड़ी चीज नहीं है पेपर आराम से क्लियर किया जा सकता था वो बात अलग है ठीक है अब आपका नहीं था दिन अच्छा या जो भी आपने मेहनत नहीं करी मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा बट प्लीज अगली बार के लिए क्लास में रेगुलर आ जाओ शेड्यूल मैं आज रात को आपको बता दूंगा कि मेरे अपकमिंग कोर्सेस कौन कौन से आने वाले हैं आज रात तक मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लो सर्च करके अगले पे आओ बताओ आज भी याद है जब फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था ना चिल्ला चिल्ला के गला हो गया था खराब चिल्ला चिल्ला के बताया था कि रिट्स इश्यू करने की पावर पार्लियामेंट देती है कोर्ट्स को और पार्लियामेंट ने रिट्स जारी करने की शक्ति फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में दी है हाई कोर्ट को 226 में दी है और जरा याद कर लो ये भी बताया था कि दोनों के बीच में 194 का गैप आता सचिन का जब तक सचिन ने 200 रन नहीं मारे थे उसका हाईएस्ट 194 था याद कर लो बताया था या नहीं बताया था क्लास में अभी तक रेट इशू करने की पावर पार्लियामेंट ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी है वो चाहे तो किसी और को भी दे सकती है जो अभी जिसका सी डी एस दो में पेपर है फरवरी में ये मेरा रेफरल कोड है विशाल सर लाइव इसको इस्तेमाल करके आज ही सेक्शन ले लो समय बहुत कम रह गया है मैं ब्लंटली बोल रहा हूं समय बहुत कम रह गया है ये कोड इस्तेमाल करो विशाल सर लाइव टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और कल या परसों से मेरी दोबारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आज अपना शेड्यूल बना लो अच्छे से कल या परसों से मेरी दोबारा क्लास स्टार्ट हो रही है और प्लीज पढ़ लीजिए मेरे सारे कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे कल या परसों से ठीक है द सर्णशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉल्स अंडर विच ऑफ दार्ट बताओ भाग दो आर्टिकल पांच से ग्यारह क्या पूछ लिया ये सवाल है ये हमारे समय पे नहीं आया कभी ऐसे क्वेश्चन जब हम सी दे रहे थे हमसे नहीं पूछा गया ये कि सर्णशिप किस पार्ट में आता है ये तो बहुत ही लेवल गिरा दिया भाई ये क्वेश्चन तो मैंने कभी इतने इतने लो लेवल के सवाल मैंने कभी नहीं कराए होंगे मैं साफ बोल रहा हूँ लार्जेस्ट बैरियर सभी को Reef, है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ता है हटाओ ठीक है सप्ताह सीरीज जीएस देशमुख नेक्स्ट कांग्रेस के जो मॉडरेट थे उनकी क्या डिमांड नहीं थी मॉडरेट्स में कभी नहीं सुना होगा तुमने एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ये देख लो ये पढ़ावा हुआ क्वेश्चन है मैंने ये बताया भी था कि इसके प्रिंसिपल का नाम है थ्योदर बैग जिसने हिंदू मुसलमानों में लड़ाई कराई थी और इस कॉलेज को खोला किसने था सर सैद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट वाले जिन्होंने पहले मुस्लिम सुधारक देश के अंदर महिलाओं को बोला था कि पढ़ाई लिखाई करो जिन्होंने ये बात भी बोली थी कि हिंदू और मुस्लिम एक दुल्हन की दो आंखें हैं अगर एक भी आंख खराब होगी तो दुल्हन अच्छी नहीं लगेगी याद करो तो डायलॉग तक बता रहा हूँ पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था चेक कर लो फर्स्ट वर्ल्ड में संघ बाय इसका थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा मैं साफ बोल रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा मैं ब्लंटली बोलो इस सवाल के लिए डीप में पढ़ना पड़ेगा वरना नहीं होगा बट सब थोड़ी करना है ना कुछ छोड़ने के लिए भी तो है

के बीच में बातचीत कराई थी याद करो यार मैराथन क्लास है और मैंने आपको एनडीए बताया था एनडीए बताया था स्टेट के लेवल पे बताया था कि एनडीए के जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम होते हैं और जो स्टेट लेवल पे होते हैं वो सीएम होते हैं याद करो और मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे बताया था कि आईएएस ऑफिसर होता है और ये भी बताया था कि जो एनडीएमए है कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूट्यूब पे पढ़ाया था यूट्यूब पे चेक कर लो यूट्यूब पे कौन है हेलो जी बेटा अभी मैं क्लास में हूं गिव मी फाइव मिनट्स ठीक है अगले पे आ जाओ द सोशल आइडिया ऑफ क्रांति सेवन तो प्रपोज्ड बाय राम मनोहर लोहिया ये क्वेश्चन है टिपिकल मैं मान सकता हूं हिस्ट्री टिपिकल थी मैं एग्री करता हूं बट भाई हिस्ट्री बहुत वास्ट है यार इतिहास बहुत वास्ट है मैं बता रहा हूं खुद कह रहा हूं ये क्वेश्चंस है टिपिकल मैं एग्री करता हूं फॉलिंग सभी को पता है secular का मतलब पे सारे धर्म अगर कोई राज्य सेक्यूलर है तो डेमोक्रेटिक होना मस्ट थोड़ी है इंग्लैंड इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट ऑफर सी ऑप्शन देख के हो जाएगा ये अ स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर एफर्ट दस गवर्नर जैसे राष्ट्रपति स्पेशल एड्रेस देता है वैसे ही गवर्नर भी देता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द जनरल इलेक्शन ऑफ ईच ईयर पंचायत के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है बताओ कौन सा करेक्ट नहीं रिजर्वेशन ऑफ सीट और एस सी एस टीज नथिंग टू डू बताओ यार पंचायत में एस सी एस टी और वुमेन्स की सीट रिजर्व होती हैं? यहां देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट अगले पे आ जाओ जरा चेक करो एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ प्रोटेक्टेड डेमोक्रेसी ये क्वेश्चन कह सकते हो थोड़ा पॉलिटिका छोड़ने वाला था मैं आपसे खुद कह रहा हूं ये चीज थोड़ी थी छोड़ने वाली जो बच्चों को इतना ये क्वेश्चन आप कह सकते हो हाई लेवल का मतलब अगर मैं आपके नजर से देखूं तो हाई लेवल का सवाल है जिसको थोड़ा बहुत कंसर्ट पता है तो कर देगा बेरोट अफेयर में यूट्यूब पर पढ़ा था मैंने अमोनियम नाइट्रेड ये टॉपिक पढ़ा रखा है मैंने से कर लो, आप की देख रहे तो नेक्स्ट अब यह मत बोलना की छह अगस्त उन्नीस सौ पैंतालीस के दिन नहीं पढ़ा था लिटल बॉय सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद कर लो ब्लैक रेन भी पढ़ाया था मैंने साथ जो बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा में यूएसए के द्वारा उसी को बोलते हैं लिटल बॉय तो यहाँ पे लिटल बॉय का मतलब है बॉम्ब अमेरिका ने गिराया था जापान के अंदर हिरोशिमा में ये तो वही हो क्या होगा कोई नहीं कोई नहीं यार मैं बताऊंगा अभी मैं तरीका बताऊंगा पढ़ने का रुक जाओ बस से मैं पहले आंसर बता दू चिल्ला चिल्ला के कम से कम दो महीने तो कोरोना पे चिल्लाया था मैं दो तीन महीना कोरोना पे चिल्लाया कोरोना से क्वेश्चन तो आ ही था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुछ महान भारत बायोटेक कर रहे हैं भाई भारत बायोटेक दूसरी वैक्सीन के लिए है वैक्सीन का नाम तो पढ़ लो क्या है ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका यह वैक्सीन दूसरी है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कितनी बार कोरोना वायरस पढ़ा दिया यार हद नहीं है पता है द रिसेंट एक्सप्लोजन नियर ऑयल वेल इन दान ड्यू टू रिमूविंग द स्मूल ड्यूरिंग द ब्लोक प्रोविजन पहला हो जाएगा विच ऑफ द फॉलिंग इज द आर्किटेक्ट जो राम टेम्पल बी अयोध्या पीओ सोमपुरा नहीं नहीं पीओ सोमपुरा नहीं होगा चंद्रकांत सोमपुरा चंद्रकांत सोमपुरा बी होना चाहिए बी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलिंग कंट्री इज नॉट लोकेट ऑन द टॉपिक ऑफ कैपरिकॉन याद करो जब वर्ल्ड जोग्राफी चल रही थी ना जब वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी एक बात बोली थी मैंने कि किस किस कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैंसर और इक्वेटर पास होता है पढ़ लो पढ़ लो आई नो पढ़ा ही नहीं पढ़ा आपके ऊपर है और जो बच्चे नए हैं वो तो खैर मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता आप लोगों ने अगर ये सब चीजें मुझसे नहीं पढ़ी है तो मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर सकता कुछ एक्टिव के लोकेशन आओ भाई माउंट बेरापी इंडोनेशिया सगुरा जो है जापान माउंट वेसुवियस भी है इटली और हवाई लो, माउंट लोमा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका अब यहां सुन लो जरा कट ऑफ भी सुन लो इसकी कट ऑफ बता दो तुम्हें इसकी कट ऑफ सुन लो मैं मेरे हिसाब से जो मुझे लगती है ओटीए आई एम ए आई एन ए एफ ए मेरे हिसाब से ओटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे लगती है वो लग रही है मुझे 105 सौ पांच की मुझे लग रही है 125 ठीक है सिक्योर बता रहा हूं मैं जहां सिक्योर हो आप लोग सिक्योर कट ऑफ आई एम सींग सिक्योर कट ऑफ नेवल अकेडमी 120 ट्वेंटी एयरफोर्स अकेडमी वन मेरे हिसाब से अब मैंने कट ऑफ बता दिया अपने मार्क्स देख लो और मैं बता रहा हूं जिसका पेपर अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं जिंदगी खत्म नहीं हो गई है मेरे नए कोर्स अनएकेडमी पे स्टार्ट हो रहे हैं कल से अनएकेडमी का सेक्शन आज ही खरीद लो लेट मत करो मैं बता रहा हूं विशाल सर लाइव ये मेरा रेफरल कोड है विशाल सर लाइव यहां नीचे भी लिखा है ठीक है ये मेरा रेफरल कोड है आज ही आप इसे प्लीज खरीद लो ठीक है ताकि मैं आपको अपने सारे कोर्स जो है बता सकूं ऐसा नहीं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप सिर्फ मेरा ही कोर्स देख पाओगे हमारी कैटेगरी में जितने भी टीचर्स हैं आप सबके सारे कोई सा भी कोर्स देख सकते हो ठीक है ये मेरा रेफरल कोड है इस कोड को यूज़ करो दस परसेंट फीस कम हो जाएगी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो शाम तक मैं आपको बता दूंगा अपने कोर्सेज के बारे में आज रात तक बता दूंगा मैं अभी बैठ कर प्लान कर रहा हूँ मैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है जो हुआ उसे भूलो एंड गो फॉर अ नेक्स्ट स्टेप उसी को सोच सोच के परेशान होते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे बाकी सपोर्ट मेरा पहले भी था आगे भी रहेगा अगर मेरी साइड से कुछ एफर्ट्स कम होंगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस बार मैं अपनी साइड से और एफर्ट्स बढ़ा दूंगा ठीक है लेकिन मैंने कभी भी आज तक ये नहीं सोचा कि मैं अपना बेस्ट बच्चों को ना दूं मैं यहाँ पर अपनी रोज़ी पे खड़ा हूँ मैंने हमेशा आपको बहुत दिल से पढ़ाने की कोशिश करी है ये बात सच है और आपको मेरे एफ़र्ट्स क्लास में दिखते भी होंगे कभी अगर आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मैं दिल से नहीं पढ़ा रहा हूँ बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ ठीक है तो आप जो चाहे मुझे फीडबैक दे सकते हैं बट मैंने हमेशा अपनी साइड से ये कोशिश करी कि आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट एफर्ट टू यू मैंने अपनी पूरी जान हमेशा लगाई है यार मेरा एग्जाम भी इसलिए अच्छा नहीं गया था क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ाने में व्यस्त था और मैं क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है बट अगर तब भी कोई कमी रह गई तो डेफिनेटली आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ मोर फॉर यू इसके अलावा मैं यहां पे एक बात आपको और बता दूं अभी मेरा एक सुबह कोर्स स्टार्ट हुआ है असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर टू के लिए सुबह आठ बजे उसे आके देखो सुबह असिस्टेंट कमांडेंट का एक कोर्स स्टार्ट हुआ है पेपर टू के लिए उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं उस कोर्स को पता है क्यों देखो अगर आपका असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है वहां तो आपको हेल्प मिलेगी मिलेगी ऐसे राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग में प्लस ग्रुप डिस्कशन हो गया लेक्चरिट हो गया हर जगह आपको हेल्प मिलेगी इंटरव्यू में भी तो अगर आप सी की भी तैयारी कर रहे हो ना मैं सच बता रहा हूं आप वो सुबह जो पेपर टू वाला कोर्स चला उस आके देखो क्योंकि वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं टॉपिक्स हैं वो सारे मैं कवर कर रहा हूं कल से मैं इंडिया के रिलेशन पढ़ाऊंगा दूसरे देशों के साथ तो वो चीज सीख लो क्योंकि सीडीएस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रिटर्न निकालने से फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला रिटर्न के बाद एस है वहां जी में आपको टॉपिक्स कोई भी दिया जा सकता है तो नॉलेज होगी तो ही बोल पाओगे तो अगर आप सी डी एस की भी तैयारी कर रहे हैं या सी आई पी एफ की तो सुबह आठ बजे वाला कोर्स जरूर देखें वहां पे मैं सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पढ़ा रहा हूं ठीक है तो प्लीज सुबह आठ बजे वो कोर्स है मिलिए बाकी प्लीज जो नए लर्नर है सब्सक्रिप्शन ले लो आंख बंद करके मेरे नए कोर्स लॉन्च हो जाएंगे विद इन वन और टू डेज दो दिन के अंदर मेरे कोर्स लॉन्च हो जाएंगे मैं टेलीग्राम में आपको अपने सारे कोर्स के बारे में बता दूंगा कौन सा कोर्स है कब है ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फास्ट थैंक यू सो मच क्लास में मिलता हूँ आपसे मैं आज बैठ के मैं आपका कोर्स बना रहा हूँ आज रात को अभी कोई क्लास नहीं है आज सारे कोर्स मैं प्रिपेयर कर लूंगा विल कैच यू फ्रॉम टूमोरो थैंक यू सो मच हिंद और एक बात और ठीक है और यहां पर मैं एक चीज और बता दू जो भी जो भी कोर्स मेरे अब आएंगे अगर मैं कोई स्पेशल क्लास भी ले रहा हूं तो प्लीज चेक कर लेना टेलीग्राम में बताऊंगा क्लास मत छोड़ना कोई अब तीन महीने का समय है के पढ़ लो चलिए फिर हिंद